सन 1999 अगर किसी बात के लिए मशहूर है तो वो है कारगिल। छब्बीस जुलाई 1999 विजय दिवस यानी भारत की पाकिस्तान को दी गई शिकस्त के रूप में मनाया जाता है। ये वो दिन है जो खुशियां और गर्व का एहसास लेकर हर साल पर्व की तरह आता है, पर इस पर्व का हिस्सा कई सूने आंगन, टूटी चूड़ियां और उम्र भर इंतजार करती आंखें भी होती हैं। खैर, ये सब बातें तो हम सब जानते हैं, पर जो नहीं जानते वो है May I come in, sir? Yeah, Ravish, come in. Take a seat, Ravish. Una. Hello? हाँ ले आओ। नहीं सर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रवीश, वो 7 साल से अपने घर नहीं गया है, और घर पर उसकी बूढ़ी दादी और उसकी 16 साल की छोटी बहन छुटकी उसका इंतजार कर रही है। कैप्टन सौरव शाह अब कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगा, और उसके घर तक ये बात सिर्फ तुम पहुंचा सकते हो रवीश। और सर मैं उनसे जाके क्या कहूंगा कि वो पेट्रोलिंग करने के लिए निकला था और टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट एक्टिविटी में मारा गया। सर वो कारगिल के वॉर में शहीद नहीं हुआ है, वो उसके बाहर टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट एक्टिविटी में मारा गया है सर। और उनको छोड़िए सर, उसे हम यहाँ नहीं देख पाए। मैं क्या कहूंगा सर? I understand. You don't understand, sir. I'm sorry. Ravish, we have not asked you to be brave only during the war. रख दो। Sir. साहब जी गाड़ी आ गई। इस जंग में तो मैं जीत गया, और इससे तय हो जाता है कि अगली छुट्टियों में कैप्टन सौरभ शाह मुझे अपने घर लेके जाएगा। ऊना साहब जी, ये ड्राइवर बोल रहा है कि वो आगे का रास्ता खराब है, तो हमें पुलिया के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। आगे नहीं जा पाए। एक मिनट छुटकी
इतने सालों से क्यों नहीं आए? अब आ गया ना। वो छोटे से बच्चे के साथ खेलते उसकी मां को देख रहे हैं आप? वो मेरी छुटकी है। आज 18 साल हो गए हैं और वो जानती है कि मैं उसका सौरभ भैया नहीं हूं, और हर साल राखी बनवाने आ जाता हूं। बहन चाहे उसकी हो, बहन तो बहन होती है।